ओहो भाई, अरे भाई ये क्या है भाई? अरे भाई साहब, अरे भाई, अरे भाई ये क्या है भाई? सारा मैदान छोड़ दिया भाई इस फोन ने भाई, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस भाई। आप सभी लोग हाँ, बिल्कुल ब्रांड नए हो रहे। मैं देखिए हाथ में कौन सा फोन है भाई, अपना प्यारा नथिंग फोन 2A। इसका आज हम करने वाले हैं डिटेल में गेमिंग रिव्यू, पबजी BGMI टेस्ट। जी हाँ भाई, जो दिक्कत हुई आज इस फोन को लेकर, गेमिंग एक्सपीरियंस तो थोड़ी सी साइड की बात है, लेकिन मैंने क्या सोचा था भाई, इस फोन में हम देखिए गेम भी खेलेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करते, जो फर्स्ट इंट्रो में अभी दे रहा हूँ आपको, वो भी इसमें ही रिकॉर्ड करते और इसमें ही वीडियो एडिट कर कर डाल देंगे। अभी जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही आईफोन से कर रहा हूँ मैं, तो ट्रांसफर में जो ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा फिर मैं इसमें डालूंगा, या फिर इसका जो गेमिंग का रिव्यू है पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, इसमें मुझे ट्रांसफर करना पड़ता है। तो मतलब ये झंझट नहीं होगा, इसमें बहुत झंझट होता है भाई ट्रांसफर करने में। तो मैंने ऐसा ट्राई किया, ये इंट्रो भी इसी से ही रिकॉर्ड किया अपने नथिंग फोन 2A से, और गेम वगैरह में तो इसका फुटेज सारा था ही। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने रिकॉर्ड किया था, इससे ये चालू है, इसमें सारी कुछ चीजें हो गई। लेकिन जब आती है बात वीडियो एडिटिंग की, तो भाई फोन ने पूरा पानी, क्या बोले भाई इसको, अभी सारा मैदान छोड़ दिया भाई इस फोन ने भाई, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस। ये देखिए भाई, मैंने इसमें एडिटिंग के लिए ये वीटा एप्लीकेशन लिया था, ये दिख रहे हैं आप, थर्ड पार्टी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब मैं खोलूंगा ये वीटा एप्लीकेशन, और यहाँ पर देखिए ये प्रोजेक्ट लगभग 26.53 सेकंड का है, लगभग 27 मिनट का है प्रोजेक्ट इसमें दिखा रहा है भाई। ये प्रोजेक्ट दोस्तों एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, एडिटिंग में इतनी दिक्कत हुई। एक तो मैं इतना अभी दिखाता हूँ, मैं सारा कुछ दे क्लियर होनी चाहिए। देखिए अब देखिए इसमें ऐड हो रहा है, प्रोजेक्ट ऐड होने में बहुत टाइम लगता है। अब ये सारा कुछ चीजें यहाँ पर ऑलरेडी है, लेकिन इसमें देखिए प्रोसेसिंग में कितना वक्त लगा रहा है भाई, और एक्सपोर्टिंग भाई 17-18% से ऊपर जा ही नहीं रहा, वो आप स्टक हो ही जा रहा है, तो ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ये दोस्तों बात रखते हैं साइड में, आज मेन बारी है गेम रिव्यू के बारे में। लगभग 25 मिनट इसमें हमने पबजी BGMI खेली है भाई फोन में, देखिए उसका रिव्यू कैसा है वो बताती है। सबसे पहले देखिए मोबाइल की जो बैटरी वगैरह है वो एकदम 100% है, आप चेक कीजिए। टाइमिंग वगैरह जो है वो भी सारे कुछ चेकआउट कीजिए आप, है ना। और लास्ट में तो मैं सारा कुछ बता ही दूंगा, कितने मिनट कितना क्या क्या हुआ है, लेकिन ये सारे कुछ चीजें जो है वो ठीक से देख लीजिए आप।
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
This is a simulation game set in a virtual world and does not I made the top three just now. Let's fight together. आई मला गाव वाला जायचे जाऊ जाऊ दे ना मला म्हणजे करते I need consumables. खड़ी थो Don't give up. Your teammates can still recall you. ओके दोस्तों, आपने गेम देखी, ओवरऑल आपको अंदाजा आ ही गया होगा। बता दो हमें डिटेल में क्या कहानी है। लगभग देखिए 25 मिनट गेम चली है इसमें। जी हाँ बिल्कुल, 25 मिनट में बैटरी ड्रॉप हुई है सिर्फ 4%। जी हाँ, फुल मोबाइल चार्ज था भाई साहब 100% और गिरा है 96 पे आकर हमने रोक दिया भाई साहब। तो लगभग 4% बैटरी गिरी है 25 मिनट्स की गेमिंग में। बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। ओके, ये हो गई परफॉर्मेंस की बात करें। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मोबाइल की जो ब्राइटनेस थी वो 50% पे सेट की थी मैंने, बिल्कुल 50% पे। और मोबाइल का वॉल्यूम एकदम हाई था भाई साहब, एकदम हाई, फुल एकदम। तो ये ओवरऑल बात है, ब्राइटनेस 50% और वॉल्यूम एकदम हाई। तो ये हो गया चीजें क्लियर।
बात करें परफॉर्मेंस की, कैसा लगा मुझे इसका परफॉर्मेंस, यह तो मेन चीज है भाई सारी कुछ। देखे इसके मतलब आपको ये डायमेंसिटी 7200 इस चिपसेट आपको बहुत सारे फोन में देखने को मिलेगा, मिलेगा है या नहीं, ठीक है। ये नहीं मिला तो इसके बराबर जो सारे दूसरे चिपसेट है वो ऐसे ही है, मतलब इनका एंड्रॉइड स्कोर वगैरह देखे तो इसका लगभग 7 लाख के आसपास इसका एंड्रॉइड स्कोर वगैरह आता है। तो बहुत सारे फोन में आपको वो प्रोसेसर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है। पोको X6 प्रो वगैरह की बात करें, डेफिनेटली भाई वो प्रोसेसर तो आग बंद करके एनी डे उनका बेटर है ना, लगभग 1 लाख 14 लाख के आसपास भाई उनका एंड्रॉइड स्कोर हो गया रहता है भाई। सेम कीमत पे 8+256GB वाला वेरियंट कंपेयर करोगे आप तो वो चीज ही नहीं भाई, वो गेमिंग फोन है सीधा, तो वो तो बेटर है। लेकिन दूसरे भी फोनों से हम कंपेयर करें तो बढ़िया है, लेकिन मुझे एक इनकी क्या बात लगी भाई, मैंने देखी अभी तक गेमिंग फोन वगैरह बहुत सारे ट्राई किए, GT10 Pro वगैरह हमने स्पेशली देखा था, लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, देखिए परफॉर्मेंस प्रोसेसर तो सारे कुछ हमें देखने को मिल जाते हैं टक्कर के इस कीमत पे, लेकिन मेन क्या होता है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, तो इनका ये बहुत बढ़िया है। क्या है भाई अभी देखिए डिटेल में बता रहा हूँ भाई, इनका फोन गर्म ही नहीं होता, ये भाई बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इनका फोन गर्म ही नहीं होता यार। मैं दोपहर को भी गेम खेली थी, मैंने पहली बार ली थी, लगभग 36-37 डिग्री वहाँ पर भी टेम्परेचर था, स्मूथ प्ले एक्सट्रीम पे रख के मैंने वहाँ पर भी गेम खेली थी और वहाँ पर भी लगभग 30 मिनट हुआ था और वो भाई गर्म ही नहीं हो रहा था फ़ोन, तो शॉकिंग लगा। मैं वही वीडियो डालने वाला था लेकिन भाई फिर से मैंने सोचा कि भाई फिर गर्म होगा तो दूसरी बार खेलते हैं। और वो क्या मेन बात है दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है और ऊपर से गेम भी चालू है, तो डबल CPU GPU पे डबल जोर पड़ रहा है, वहाँ पर ये फ़ोन गर्म नहीं हो रहा है भाई, क्या करें, अच्छी बात है, क्या करने वाली नहीं अच्छी बात है। परफॉर्मेंस प्रोसेसर मतलब परफॉर्मेंस जो है गेम का वो एकदम डिसेंट आपको मिल जाता है, सभी फ़ोनों में ऐसी गेम चलेगी, लेकिन गेम चलने के टाइम ये गर्म नहीं हो रहा है, ये काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन है, बहुत ही बेहतरीन ये मुझे लगा। आज तक 2-3 फोन ट्राई किए इस कीमत पे, मोटो H40neo, इन्फिनिक्स GT10 Pro, 030 इन्फिनिक्स का, उनमें ये दिक्कत नहीं था भाई, वो गर्म होते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है, परफॉर्मेंस एकदम डिसेंट आपको मिल जाता है, सभी फ़ोनों में ऐसे ही चलेगी गेम वगैरह है ना, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये गर्म वाली बात है, बैटरी भी ज़्यादा नहीं खाता फ़ोन, ये बात है, लेकिन इसमें अब इसके उल्टा क्या है, गेम तो बहुत बढ़िया चल गई लेकिन इसमें जो दिक्कत आ रही है भाई वीडियो एडिटिंग में, मैंने भाई ऐसा ही सोचा था भाई करते ही वीडियो एडिटिंग और इसका भांडा फूट गया मेरे सामने से, मैं बहुत खुश था भाई इस फ़ोन से, अरे यार ये गर्म नहीं हो रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है फ़ोन, और देखिए इस वीडियो एडिटिंग में आकर इसने पूरा चेंज कर दिया भाई, ये देखिए, ये देखिए, ये सारी कुछ तो चीज़ें हो रही है बढ़िया है। देखिए ये मैंने लगभग 25 मिनट का पूरा वीडियो यहाँ पर डाल दिया है, अब यहाँ पर मैं इसे एक्सपोर्ट करने जाऊँगा, ये चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, बात करते हैं, ये देखिए अभी 5% 7% हो रहा है। देखिए दोस्तों ये चीज़ मुझे बहुत खैर यार मतलब 2-3 घंटे से मैं परेशान हूँ यार, अभी वीडियो आएगा, लेकिन भाई फाइनल मुझे आईफोन में भी रिकॉर्ड करना पड़ा अपना वीडियो, अभी इसका मुझे ट्रांसफ़र करने पड़ेगी भाई फाइल, ये बहुत दिक्कत है भाई, वीडियो एडिटिंग क्यों नहीं हो रहा है भाई, 25-26 मिनट का आप वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वीडियो एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा स्किप हो रहा है भाई फ्रेम, इसमें कुछ मैंने ऐड भी नहीं किया ऊपर से, वो सीधा सीधा वीडियो है भाई, उसमें कुछ PPFP क्या है क्या बोलते हैं उसमें वो यू ऐड भी नहीं किया है, तो ये बहुत ख़राब एक्सपीरियंस लगा मुझे। गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया है लेकिन भाई ये वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस इसमें बहुत बुरा है, देखिए यहाँ पर ये 10% पे अटक गया, अभी अटक गया, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब कुछ नहीं होगा, 1080p पे है भाई पूरा फुटेज 1080p, क्या करें, तो ये बहुत बढ़िया दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है बड़ी, तो नथिंग को इसको सॉल्व करना चाहिए, वीडियो एडिटिंग नहीं होती इसमें बढ़िया से। बाकी
गेमिंग रिव्यू कैसा लगा? गेमिंग बहुत बढ़िया चलती है इसमें, स्टेबल है, हीटिंग नहीं होता, बैटरी ज़्यादा नहीं खाता और डिसेंट गेमिंग होती है, कुछ एक्स्ट्रा लेवल नहीं है, गेमिंग डिसेंट ही होती है। लेकिन ये जो ओवरऑल सारी चीज़ें हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त भी गर्म ना होना, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और वीडियो एडिटिंग को सुधारो जरा नथिंग वाले। बाकी वीडियो पसंद आया आपको चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसके ऊपर क्या क्या और वीडियोज़ देखना चाहूँगे नीचे कमेंट्स में बताइए। तब मिलता है उससे इंटरेस्ट रहा, तब तक पीस आउट।